अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी शॉपिफाई के प्रोडक्ट पेज कस्टमाइजेशन के ऊपर। नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मुझे क्लाइंट से कैसे कैसे काम मिलते हैं, उन काम को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, उन कामों के लिए क्या क्या प्रोसीजर यूज़ होता है, कैसे हम उनको ईजिली हल कर सकते हैं। डिफरेंट काम्स होते हैं होम पेज के ऊपर, शॉप पेज के ऊपर, कलेक्शन पेज के ऊपर, कस्टम पेज टेम्पलेट्स के ऊपर भी काम होते हैं, प्रोडक्ट पेज के ऊपर भी काम होते हैं। अब मैं करूँगा जो ये सीरीज होगी ये प्रोडक्ट पेज के ऊपर होगी कि प्रोडक्ट पेज के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस हम कर सकते हैं या क्या क्या हमें चेंजेस करने को क्लाइंट कहता है। मैंने एक लिस्ट छोटी सी बनाई है राउंड अबाउट, जो कि मोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मली तकरीबन हर स्टोर के अंदर क्लाइंट रिक्वायर करता है। वो तकरीबन 15-16 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हर चीज़ के लिए सेपरेट वीडियो होगी जो मैं गए बगैर अपलोड करता रहूँगा। कोशिश तो पूरी करता हूँ कि मैं एज सून एज पॉसिबल अपनी वीडियो अपलोड कर सकूं, लेकिन फिर कुछ टाइम लग जाता है कुछ इश्यूज़ की वजह से। अभी भी मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ, ऊपर से ठंड भी है, तो ये मैंने कैप इसीलिए ली हुई है। तो प्रोडक्ट पेज के हम अपना काम करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको प्रोडक्ट ये काम तो सिखाऊंगा कि आप कैसे क्लाइंट का काम कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ मैं अभी कुछ सिखाऊंगा, वो आपको सिखाऊंगा गूगल सर्च कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे जो भी काम करूंगा यहाँ पे अपने प्रोडक्ट पेज कस्टमाइजेशन के ऊपर, मैं कुछ भी खुद नहीं लिखूंगा या कुछ भी खुद नहीं करूंगा, सीधा गूगल पे जाऊंगा, सर्च करूंगा, वहां से जो मुझे आंसर मिलेगा वो मैं लगा के देखूंगा। अगर वो चल गया ठीक है तो और आंसर ढूंढेंगे, क्योंकि कोड कोई भी बंदा, रट्टा कोई बंदा नहीं लगा सकता। इस कोड में आप कभी भी रट्टा नहीं लगाते, रट्टा लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो रट्टा आप कभी ना लगाइएगा, समझें कोड को, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानिए, बाकी लॉजिक समझिए। लिखना ना लिखना वो आपको गूगल से हर चीज़ मिल जाएगी। आपने जो भी इश्यूज आते हैं आप गूगल पे जाके उस इश्यू को सर्च करें, उसका आंसर आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ आपके लिए आपके डेवलपमेंट में आपको बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि कल को कोई भी नई चीज़ आती है ना, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा जाके सिंपली यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करेंगे, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने भी ऐसे ही सीखा है, मैं जो भी इश्यूज आते हैं हम पहले गूगल पे सर्च करते हैं, तो मैंने कभी भी रट्टा नहीं मारा किसी चीज़ को। अक्सर मैं 90% ऑफ काम अपना गूगल पर सर्च करके करता हूँ, कभी खुद नहीं मैंने किया। ठीक है, तो मैं भी आपको वो भी यही बताऊंगा आपको, और आपको रिकमेंड भी करूंगा कि अपनी सर्च स्ट्रॉन्ग करें जिससे आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं अपने काम के ऊपर। तो प्रीव्यू, मैं इसको एडिट कोड भी कर लेता हूँ। आज जो हम करेंगे, जो मैं काम छोटा सा करूंगा वो ये करूंगा कि एक पर्सनलाइज टेक्स्ट बॉक्स हम अपने प्रोडक्ट पेज में ऐड करेंगे। कैसे एक पर्सनल टेक्स्ट बॉक्स आप अपने प्रोडक्ट पेज में ऐड कर सकते हैं, होता क्या है पर्सनल टेक्स्ट बॉक्स। फॉर एग्जांपल, किसी भी प्रोडक्ट के वेरिएंट्स और उसके ऑप्शंस तो होते हैं, लाइक उसका साइज होता है, उसका कलर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आपने देखा होगा कि लाइक कोई वॉलेट कोई सेल कर रहा है, या इसी तरह कोई रिंग सेल कर रहा है, या कोई नेकलेस सेल कर रहा है, तो उस नेकलेस या वॉलेट के ऊपर जो खरीद रहा है कोई बंदा, उसका नाम भी लिखा होता है। तो वो एक पर्सनल टेक्स्ट बॉक्स होता है जहाँ पे वो आप अपना नाम दे सकते हैं। तो वो आप कैसे अपने प्रोडक्ट पेज में ऐड करवाते हैं, क्योंकि राइट नाउ अगर आप कोई भी, अब हमने इधर चलते हैं कैटलॉग की तरफ, कोई भी प्रोडक्ट ओपन करके देखते हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ ये ऑप्शन ये है और कलर का ऑप्शन है। यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है जहाँ पे हम अपना वो टेक्स्ट ऐड कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुपट्टा पे, इस देगी दुपट्टे पे अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ, कोई बंदा कहता है मैं नाम लिखवाना, तो आप नाम कहाँ पे देंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो ऑप्शन ऐड करने के लिए हमें एक पर्सनलाइज टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना होता है, टेक्स्ट बॉक्स पर्सनलाइज। तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले सिंपली हम गूगल पे जाते हैं, google.com सर्च करते हैं ऐड पर्सनलाइज टेक्स्ट बॉक्स। ये देखिए मेरी सर्च में पहला ही आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है इसको। तो सबसे पहले ये लिंक आ गया, ऐड अ पर्सनल टेक्स्ट बॉक्स, इसे ओपन करेंगे। इसमें अगर आप रीड करते हैं, ये उसने अपनी प्रॉब्लम बताई हुई है, ये उसने सोल्यूशन बता दिया कि जी आप इस ट्यूटोरियल को देख लें, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हम इस ट्यूटोरियल पर चलते हैं। ये है जी प्रोडक्ट पेज कस्टमाइजेशन, कैसे आप एक पर्सनलाइज टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट पेज में। ठीक है, तो यहाँ तो एक फ्री थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट सम ऑफ द क्लाइंट्स कहते हैं कि हम
इन ऐप से नहीं, हमें पर्सनल कोड से करके दें, क्योंकि ऐप्स थर्ड पार्टी यूज़ होती है तो वो साइट की स्पीड को बहुत कम कर देती हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है क्रिएट न्यू टेम्पलेट, ये पूरी टेम्पलेट सेपरेट आपको बनवा देगा। ये थोड़ा सा लंबा काम है, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, जो मेन पार्ट है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ऑलरेडी जो टेम्पलेट बना हुआ है उसी में काम कर लेंगे। यहाँ से हम शुरू करते हैं जी। कहता है सबसे पहले क्रीम कस्टम फील्ड क्रिएट करें। कहाँ से क्रिएट करेंगे? शॉपिफाई यूआई एलिमेंट जनरेटर है ये एक, इसे मैं एक न्यू टैब में ओपन कर लूँगा। तो ये आप फील्ड कौन से चाहते हैं, टेक्स्ट शॉर्ट चाहते हैं, टेक लॉन्ग, टेक्स्ट लॉन्ग चाहते हैं, रेडियो बटन ऐड करना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट लिस्ट करना चाहते हैं, चेकबॉक्स और कोई भी और। तो हम टेक्स्ट ही ऐड करेंगे। फील्ड का नाम क्या रखेंगे? ब्रांड, लाइक ये किस ब्रांड की है। ओके और रिक्वायर कर देंगे कि यार ये रिक्वायर है फील्ड, और शो एट चेकआउट ये भी इनेबल कर देंगे कि यार ये चेकआउट पे इनेबल, हमें शो करवानी है। तो ये उसने एक कोड बना दिया है, ठीक है। ये आप कोड सिंपली कॉपी कर लें, इस पर क्लिक करेंगे तो भी कॉपी कर देगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके कॉपी कर लें। अब क्या करेंगे उसके बाद, क्या कहते हैं, जैसे ही कोड कॉपी कर लिया मजीद नीचे आएंगे तो वो कहता है जी अपने जो प्रोडक्ट टेम्पलेट है, कस्टमाइजेबल टेम्पलेट है जो हमने ऊपर बनाया है, हमने नहीं बनाया उसने बना के ने लिखाया है, वहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम कहाँ पे ऐड करेंगे? हम सिंपली अपना टेम्पलेट ओपन करेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि हम प्रोडक्ट पेज में कस्टमाइजेशन कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट टेम्पलेट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे उसने क्या बताया कि सेक्शन के अंदर प्रोडक्ट टेम्पलेट डॉट लिक्विड की फाइल होगी। तो हम सेक्शन के अंदर जाते हैं, ये प्रोडक्ट टेम्पलेट की फाइल पड़ी हुई है। अब इस पर क्लिक करें तो भी ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर इस पर माउस लेके जाएं तो ये एरो का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो भी ये फाइल ओपन हो जाएगी। अच्छा फाइल मेरी ओपन हो गई। अब क्या कहता है? अब वो कहता है जी कि यहाँ पे ये टाइप सबमिट है, प्रोडक्ट का बटन बना हुआ है सबमिट का, उसके ऊपर ये कोड हमने पेस्ट कर देना है। फाइंड कर लें टाइप सबमिट, तो हम यहाँ पे कंट्रोल एफ करेंगे, सिंपली टाइप करके इज इक्वल टू, ये देखें टाइप बटन या टाइप सबमिट या टाइप बटन कोई भी ऐसी चीज़ आ रही होगी, ये टाइप सबमिट आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर अगर आपको ये ना मिले ऐसे तो आपने फॉर्म का टैग सर्च कर लेना है, प्रोडक्ट फॉर्म का, ठीक है। फॉर्म सर्च करेंगे, अगर तो HTML का टैग लगा हुआ तो वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मोस्टली ये लिक्विड के फॉर्म का टैग लगा होता है। अगर ये भी ना हो तो एक स्निप्ट उन्होंने ऐड की होगी प्रोडक्ट फॉर्म की। आप सिर्फ अगर वो इंक्लूड का फाइल हुई तो अपने स्निप में जाना है, और यहाँ पे फाइल पड़ी होगी प्रोडक्ट फॉर्म की, वो ओपन कर लेनी है, ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर देखेंगे तो ये है जो टाइप सबमिट, प्रोडक्ट सबमिट की। अब सिंपली इसके ऊपर उसने कहा ऐड कर देना अपने कोड अपना जो वहाँ से कॉपी की है, और सेव कर देना है। अब अगर हम यहाँ पे आप रीलोड करेंगे तो ये ब्रांड आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐड ना हो, ये यहाँ पे ऊपर ऐड हो इस इन वेरियंट्स के ऊपर। तो मैं यहाँ से कोड पकड़ूंगा और सर्च कर ऊपर जाऊँगा, जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म शुरू हो रहा है उसके बिल्कुल बाद इसे ऐड कर दूंगा और इसे सेव कर देंगे हम। ये मेरा ऊपर आ गया, मैं इसके नीचे एक BR का टैग लगा दूंगा एंड से रीलोड। और एक और काम करेंगे, हम इसे स्टाइल दे देंगे विड्थ 100%, तो ये इसकी विड्थ भी 100% हो गई। तो ये एक कंप्लीट मैं आ गया सेपरेट लाइन में। ओके अच्छा, ये आपकी एक ब्रांड ऐड होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पे यहाँ पे कुछ लिखेंगे भी कि जी यहाँ पे नाइकी लिखता हूँ ऐड टू कार्ट, तो ये देखें ये फैब्रिक खद्दर कलर ब्लैक, और ये ब्रांड भी आ गया यहाँ पे नाइकी। हम लाइक कैटलॉग में जाते हैं और मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। शूज़ पे उन्होंने लिखवाना चाह रहा है कोई नाम, कोई नाम या कोई ब्रांड का नाम लिखवाना चाह रहा है जी। तो हम सिंपली यहाँ पे ABC लिख के मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, जैसे कि साइज लार्ज कलर रेड और ब्रांड क्या आ गया ABC। अच्छा ये तो हो गया, अब लेकिन इशू भी क्या आया, ये आ गया सब प्रोडक्ट्स में। अब जो भी प्रोडक्ट ओपन करेंगे लाइक मैं ये वाली प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, तो इसके अंदर भी आपको ये ब्रांड नज़र आएगी फील्ड, क्योंकि हमने कोड में ऐड किया है।
इसके अंदर ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी आपको ब्रांड की फील्ड नजर आएगी। लेकिन क्लाइंट कहता है कि जी मैं सब प्रोडक्ट्स में ऐड नहीं करना चाह रहा, मैं कुछ चाहता हूँ कि जिस प्रोडक्ट में चाहूँ मैं उसी में ऐड हो, उसके अलावा किसी के लिए ना हो। तो वो या तो आप सेपरेट टेम्पलेट बना सकते हैं जो कि उसने यहाँ पे बताया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्लाइंट को भी समझना मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा एक और जो तरीका जो मैंने अपने सर्च किया था इसके ऊपर और ज़रा इजी भी था, वो है हम टैग्स के थ्रू काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट टैग्स के थ्रू। टैग्स का तो आपको पता होगा, मैंने टैग्स के बारे में बताया होगा प्रोडक्ट टैग्स के ऊपर, ठीक है। कहाँ से होते, कहाँ लगते हैं टैग्स अगर आप कोई प्रोडक्ट ओपन करें, ये टैग लगे होते हैं। हम एक स्पेसिफिक टैग मुकर्र कर लेंगे, कोई भी एक पर्सनल टैक्स के नाम से एक टैग मुकर्र कर लेंगे, जिस प्रोडक्ट के अंदर वो टैग हो उसके अंदर ही वो शो करे अपना टैक्स बॉक्स। तो वो हम कैसे करेंगे, हम टैग की लूप लगाएंगे, फॉर टैग इन प्रोडक्ट डॉट टैग्स और एंड फॉर। मैं यहाँ पे देख लूंगा अगर मेरे पास टैग्स आए भी हैं कि नहीं इसमें। अब ये टेक्स्ट बॉक्स नाइकी जोगर्स एंड ब्लैक शूज मुझे सारे यहाँ पे शो होने चाहिए इसके ऊपर। सॉरी ये तो है, मैं वही प्रोडक्ट ओपन कर देता हूँ आपका, ये वाला। तो ये देखें ब्लैक शूज, जोगर्स, नाइकी एंड टेक्स्ट बॉक्स ये सारे शो हो रहे हैं मुझे, ठीक हो गया। इसका मतलब मेरे ये लूप सही काम कर रही है। अब हमने सिंपली क्या लगाना है, एक कंडीशन लगा देनी है इसके अंदर, इफ टैग कंटेन्स कॉमा, और साथ ही ये बंद भी कर देनी है एंड इफ। क्या कंटेन करेगी अगर टैग के अंदर हमारे पर्सनल अंडरस्कोर बॉक्स, पर्सनल बॉक्स का है टैग हो हमारे प्रोडक्ट के अंदर, तो सिंपली ये पूरा कोड कॉपी करके इसको इस कंडीशन के अंदर रख देना आपने। सेव। अब अगर मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो मेरे पास वो फील्ड चली गई, खत्म हो गई, क्योंकि कंडीशन लगा दी है कि जिस भी प्रोडक्ट के अंदर हमें टैग मिले ये पर्सनल बॉक्स का, सिर्फ उसी के अंदर ये फील्ड शो हो। अब मैं यहाँ से पर्सनल बॉक्स को किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम इसी में कर लेते हैं, इसके अंदर मैं टैग लगाता हूँ पर्सनल बॉक्स का, पर्सनल अंडरस्कोर बॉक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ एज इट इज आपने टैग यहाँ पे ऐड करवाना है। टैग ऐड हो गया, सेव किया, ठीक हो गया, सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे आके रीलोड करता हूँ, कुछ भी नहीं आया। नहीं, पैनिक नहीं होना, आ गया है, सिर्फ हमारे कैशे में वैल्यू स्टोर है, हमें सिर्फ कैशे रिमूव करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे क्लोज करेंगे, दोबारा इस थीम को प्रीव्यू करेंगे। अब मैं जाके जब प्रोडक्ट ओपन करूंगा ना, वो वाला आया अभी भी नहीं। इफ टैग कंटेन पर्सनल बॉक्स, पर्सनल बॉक्स, ओके, व्यू, ये आ गया, ये देखिए ये आ गई। वो जिस कैसे में वैल्यू स्टोर होती है, जैसे ही वो रिमूव होती है तो ऑटोमेटिकली दोबारा कोड सारा रिस्टार्ट आता है और जो भी नई चीज़ ऐड होती है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाती है। अगर कभी भी वैसे आप कुछ चेंजेस करें, आपको ना शो हो फ्रंट एंड पे, सिंपली अपना थीम बंद करें, थीम को दोबारा प्रीव्यू करें, शुरू से अपनी कैशे रिमूव करें, वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी ब्रांड आ गई। अब मैं किसी और प्रोडक्ट के अंदर जाऊँगा, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर, तो यहाँ पर मुझे नहीं शो होगी, और किसी के अंदर जाऊँगा मतलब इसके अंदर, तो यहाँ पर भी मुझे नहीं शो होगी, इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे भी मुझे नहीं शो होगी। ये चाहता हूँ मैं इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, सिंपल ऑल प्रोडक्ट्स में जाएं, ये डार्कनेस वाला प्रोडक्ट ओपन करें, यहाँ पे टैग्स के अंदर पर्सनल अंडरस्कोर बॉक्स, ठीक है, अगर नहीं तो यहाँ से कॉपी कर लें, ये मैं यहाँ पे ऐड कर दिया पर्सनल बॉक्स, ठीक है। और ये आपने क्लाइंट को अपने बताना है कि भाई ये वाला टैग है स्पेसिफिक, ये टैग तुम जिस प्रोडक्ट में ऐड करोगे वहाँ पे आपको ये पर्सनल टेक्स्ट बॉक्स शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने इसमें ऐड किया, अब अगर मैं इसे व्यू करूँगा तो नहीं शो होगा, हो गया, हो गया, वो रिस्टार्ट उसने दोबारा से तारीख कैसे,
ऐड कर दी। ठीक है, तो ये तरीका है आपका पर्सनल टेक्स्ट बुक ऐड करने का विद द हेल्प ऑफ टैग, ताकि वो हर प्रोडक्ट पे शो ना हो, जिस पे आप चाहें उसी पे शो हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको मज़ा आया होगा ये सीखने का और गूगल सर्च भी सीखने का। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम इन जो फैब्रिक है और सॉरी ये वेरिएंट्स हैं ना प्रोडक्ट्स के, इनको हम स्वेचेज में कन्वर्ट करेंगे। स्वेचेज क्या होते हैं, बटन्स बने होते हैं। आप सिंपली अगर गूगल पर सर्च करें प्रोडक्ट स्वेच शॉपिफाई, प्रोडक्ट स्वेच शॉपिफाई, तो ये मैं एप्लीकेशन शो करके आपको दिखा देता हूँ, स्वेचेज एप्लीकेशन। लेकिन हम करेंगे कोड के थ्रू, हम एप्लीकेशन के थ्रू नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको उसकी एग्जाम्पल स्टोर दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि स्वेचेज क्या होते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास कलर है इसका ड्रॉप डाउन में बना हुआ, यहाँ पे ये कलर उसने कैसे ये ऑप्शंस बने हुए हैं और कलर का बॉक्स बना हुआ है कि यार ये वाला कलर का मुझे प्रोडक्ट चाहिए, लाइक रेड चाहिए तो ये है, ग्रीन चाहिए तो ये है, मल्टीपल कलर चाहिए तो ऐसे है, तो ये हम चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह साइज़ का अगर होगा ये वाला फैब्रिक का या साइज़ का, तो यहाँ पे साइज़ के भी बटन बने होंगे, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन्हें हम स्वेचेस कहते हैं। ये मैं आपको अगली वीडियो में ऐड करना सिखाऊंगा। अगर आप को सीखने की जल्दी है तो गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, हाउ टू कन्वर्ट वेरियंट्स इंटू स्वेचेस। ठीक है, ये मैंने छोटा सा आपको हिंट दे दिया है, हाउ टू कन्वर्ट वेरियंट इंटू स्वेचेस, तो आपको पूरी गाइड मिल जाएगी वेरियंट्स को स्वेचेस में कन्वर्ट करने की। बाकी मैं तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, इसी तरह हर वीडियो के अंत में अगली वीडियो का एक हिंट दे दिया करूंगा, ताकि आपको बेहतर समझ आए और आप भी उसके ऊपर काम करके अपना खुद से कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।